सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लग चुका है कि किसी ऑब्जेक्ट की फ्यूचर पोजीशन से ये तय हो जाता है कि वो वर्तमान में कहाँ होगा। पॉल मानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शायद यही हो रहा है। मिसाल के तौर पर शाम में पॉल अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी डिनर का मजा लेते हैं। इसका मतलब है कि इसके पहले कुछ घटनाएं दिन के वक्त हुई ही नहीं थी। मान लीजिए उसी वक्त कोई आता है और मुझे एक कॉन्सर्ट के टिकट देता है। ए पॉल, मेरे पास वेगस में हो रहे आज रात के कॉन्सर्ट का एक एक्स्ट्रा टिकट है, लेकिन हम दोनों को अभी निकलना होगा। क्या आप आना चाहेंगे? क्या पॉल अभी कॉन्सर्ट में जाने के लिए हाँ कर देंगे? अगर हाँ करेंगे तो उनकी बीवी अकेली रह जाएंगी। मुझे फैसला लेना है कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊंगा या डिनर के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? डिनर पर नहीं जाना तो विकल्प ही नहीं है। अगर नहीं गए तो पॉल की जिंदगी भी बदल जाएगी। ओ नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे एक जरूरी काम है। टिकट किसी और को दे दीजिए। बात यह नहीं है कि उनकी बीवी नाराज होंगी, बल्कि पॉल का भविष्य में डिनर पर जाना तय है, इसलिए पॉल कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते जो उन्हें डिनर पर जाने से रोक सके। मुझे ये करना है, वो भी करना है, लेकिन मैं दोनों में से एक को कैसे चुनूंगा? पता लगा कि भविष्य के ये सारे अलग अलग मुमकिन पाथवेज हमें अभी वर्तमान में कुछ करने से रोकते हैं। पॉल मानते हैं कि यही बैकवर्ड टाइम इफेक्ट उस वक्त भी ब्रह्मांड के पैमाने पर काम कर रहा था जब बहुत दूर के भविष्य से हर चीज की शुरुआत हुई थी। इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक चॉकलेट फैक्ट्री है। वहां बिग बैंग के साथ प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड का अंत वहां होगा जहां से तैयार चॉकलेट बाहर आती है। हमारा वर्तमान उसके ही बीच में कहीं पर है। हम शायद ये मानते हैं कि अभी जो भी होता है उससे उनका आखिरी रूप बदल जाता है, लेकिन चॉकलेट के अंदर जो है उनसे ही पता लगता है कि चॉकलेट में क्या क्या चीजें डाली गई हैं। चॉकलेट में बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसके आखिरी रूप से नहीं मिलती हों। हो सकता है कि प्रोडक्शन लाइन के बीच में ही कहीं पर मशीन ने उसमें क्रीम फिलिंग या रास्पबेरी फिलिंग डाल दी हो, लेकिन चूंकि तैयार चॉकलेट में रास्पबेरी है इसलिए उसमें सिर्फ पिंक फिलिंग ही जा सकती है। अंत इस वक्त की हर संभावनाओं को खत्म कर देता है, इसलिए पॉल मानते हैं कि इस तरह के लिमिटिंग इफेक्ट का असर हमारे ब्रह्मांड के अल्टीमेट फ्यूचर से हमारे आज पर रेडिएट होता है। अगर हम ये मान लें कि किसी तरह से कुदरत ने ब्रह्मांड का आखिरी रूप तय किया था, तो फिर उस प्रोडक्शन लाइन पर क्या असर हुआ होगा जिसे हम अभी महसूस कर रहे हैं? और उन चॉकलेटों पर सबसे बड़ा तो यही होगा कि किसी भी स्थिति में चॉकलेटों का आखिरी रूप इंटरनल मशीनरी पहले से तय कर दे। लेकिन असली ब्रह्मांड के मामले में कुदरत तो क्या किसी को यह नहीं मालूम होता कि ब्रह्मांड का आखिरी रूप कैसा होगा? हालांकि कोई ये बात दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य तय है और एक दिन वो बिल्कुल अंधेरी और बहुत ही ठंडी जगह होगा जिसमें कोई पार्टिकल नहीं होगा। पॉल मानते हैं कि वो हम अभी यही कुछ खास एक्सपेरिमेंट करके उस भविष्य के असर को देख सकते हैं। उनमें से एक राय तो है गहरे अंतरिक्ष में लेजर बीम छोड़ी जाए। जब तक पॉल की भेजी वो लेजर ग्रह जैसी किसी चीज से नहीं टकराती तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन हाँ, अगर पॉल उस लेजर को अंतरिक्ष के बिल्कुल खाली हिस्से में भेज दें जहाँ उसे रोकने के लिए कुछ ना हो, तो थ्योरी के मुताबिक वो लगातार चलती ही रहेगी और तब लेजर किसी काम की नहीं होगी। हम आसमान के अंधेरे इलाकों में लेजर दाग सकते हैं और तब हमें शायद ये दिखे कि उससे रोशनी ही नहीं निकल रही है, बहुत कम रोशनी है। लाइट नहीं निकलेगी क्योंकि ब्रह्मांड के भविष्य में रोशनी है ही नहीं। अगर ब्रह्मांड का आखिरी रूप अंधेरे से भरा और खाली है तो आज की कोई चीज, चाहे वो लेजर बीम से निकले, फोटॉन्स ही क्यों ना हो, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। भविष्य हमारे वर्तमान पर असर डालता है। इससे जुड़े सबूत ढूंढना एक बड़ी चौंकाने वाली संभावना पेश करते हैं। क्या हम अभी पीछे जाकर अपने अतीत को प्रभावित कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत को नियंत्रित करता है। हो सकता है कि एक दिन यह थ्योरी भी प्रैक्टिस में आ जाए, लेकिन हमारी सीमाएं क्या हैं? क्या कोई वक्त में पीछे जाकर हमारा इतिहास बदल सकता है? क्या वो हिटलर को
जंग शुरू होने से पहले रोक पाएगा या JFK को हत्यारे की गोली से बचा पाएगा? टॉड ब्राउन को यह कल्पना करना बड़ा मजेदार लगता है कि अपने अतीत में रहना कितना मजेदार होगा। और सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होने के नाते वो ये पता लगा रहे हैं कि क्या वक्त में पीछे जा पाना संभव है। समय की दिशा ही अपने आप में बड़ी ही रहस्यमय चीज है। आज हमारे पास फिजिक्स के जो इक्वेशन हैं, उनसे तो यही लगता है कि हम उसे आगे या पीछे ही चला सकते हैं। लेकिन हम आज दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो तो इशारा करते हैं कि समय बस एक ही दिशा में चलता है, आगे की ओर। हर चीज पुरानी पड़ती है, हर चीज सड़ जाती है। जब हम एक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तब हम जो निशान छोड़ते हैं वो चौक डस्ट के रूप में होते हैं, जो चौक से बोर्ड पर लिखते वक्त चौक से झड़कर गिरती है। अगर मैं फिर से उस चौक को बोर्ड पर रखूं, तो उससे गिरी डस्ट फिर से उस चौक में नहीं जुड़ पाएगी और ना ही उस चौक को ज्यादा लंबा ही बना पाएगी। समय का एरो भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर आइंस्टाइन की ये बात सही है कि समय सचमुच एक डायमेंशन है, तो मतलब हुआ कि बीता हुआ समय अब भी मौजूद है। वो उस चार डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में किसी जगह पर छिपा रहता है। स्पेस टाइम ही हर चीज के लिए 4-dimensional बैकग्राउंड है, हर उस घटना के लिए जो हो चुकी है या हो रही है या हमारे ब्रह्मांड में कभी भी हो सकती है। हमारे अतीत में हुई घटनाएं भले ही ब्रह्मांड से गायब नहीं हुई हों, पर वो हमारी पहुंच से तो दूर है ही। अगर हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से सफर कर सके तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी इक्वेशंस के मुताबिक हमारा समय पीछे की ओर चलने लगता है। मगर समस्या ये है कि उसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि हम लाइट से ज्यादा स्पीड पर चलने की बात सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, अतीत तक जाने के कुछ तरीके तो हैं। उन्हें क्लोज टाइम कहते हैं, यानी वो कर्व्स जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बड़े अनोखे डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं और जिनसे हमें समय के एक दूसरे पल में जाने का शॉर्टकट मिल जाता है। स्पेस टाइम में मैटर के कुछ बड़े ही अनोखे अरेंजमेंट से ये सारे गलियारे मुड़ जाते हैं और वो इतना मुड़ते हैं कि वापस अपने ही ऊपर लौट आते हैं। टाइम ट्रेवल करने वाले टॉड को लाइट से ज्यादा स्पीड से नहीं जाना पड़ रहा। जब वो आगे जाते हैं तब स्पेस टाइम में बना मोड़ उन्हें फिर से स्पेस में उसी जगह पर ले आता है, लेकिन एक पहले के समय पर। ये वो हालात नहीं है जो हम अपने ब्रह्मांड में आमतौर पर देखते हैं, लेकिन लोग आइंस्टाइन की इक्वेशंस को हल कर सकते हैं और वो हल ढूंढ सकते हैं जिनमें ये क्लोज टाइम लाइक कर्व्स हों। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि हम अतीत में एक जगह तक पहुंच सकते हैं। टॉड को अपने एक पूर्वज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता और वो ये भी बता सकते हैं कि वो समय में पीछे कैसे पहुंचे थे। आपको ये बात बड़ी दिलचस्प लगेगी। हालांकि टॉड को लग रहा है कि वो अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टॉड के पूर्वज से मिलने उनके भविष्य का कोई ना कोई रिश्तेदार आता रहता है। एक ब्रह्मांड के इतिहास में शायद एक ही सेट के एक्शन होते हों। जो चीजें नहीं हो सकती या जिन चीजों में इनकंसिस्टेंसी है वो चीजें उसमें नहीं है। ऐसे में एक टाइम ट्रेवलर को बस वही बात समझ में आती है जो उसके साथ पहले हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर हम टॉड को एक टाइम ट्रेवलर मान लें तो वो अपने अतीत की कुछ घटनाओं को बदल सकते हैं। और मान लीजिए कि वो घटना वो डांस है जिसे टॉड रोकना चाहते थे। हमारा अतीत तो होता है, तो अगर मैं उस डांस के बीच में जाकर उसे रोकने के लिए एक डांसर को डांस के बाहर खींचता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि वो डांसर उसी वक्त बाहर आ जाए, क्योंकि तभी डांस रुक पाएगा। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी टॉड सिर्फ उन घटनाओं और सीक्वेंस को ही देख पाते हैं जो पहले हो चुके हैं। अगर मैं कहीं चल रहे डांस के बीच में अचानक ही कूद पड़ता हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि अतीत में कभी मैं उस डांस में रहस्यमय तरीके से शामिल हुआ था और तब वो डांस भी रुक गया था और मैं उसी घटना को एक बार फिर से देख रहा हूं। या अगर वो डांस पूरा हुआ था तो उसे रोकने की मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। ये तो वही बात हुई कि ब्रह्मांड के पास अपना एक सुरक्षा घेरा है जिससे वो इतिहास को कंसिस्टेंट रखता है। हम अपने दादाजी की जान तो नहीं ले सकते, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो टाइम ट्रेवल से पैदा हो सकता है। जब टॉड टाइम ट्रेवल कर रहे थे तब उन्होंने टाइम मशीन के प्लान अपने पूर्वज को दिए। आपको ये बड़ा दिलचस्प लगेगा।
और फिर उस पूर्वज ने वही प्लान टाइम ट्रैवल कर रहे टॉड को दिए, जिन्होंने उन प्लान के आधार पर टाइम मशीन बना ली, मगर उन दोनों में से किसी ने खुद वो प्लान नहीं बनाए थे। अब सवाल है कि वो प्लान आखिर आए कहां से।